अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के सेक्रेटरी श्रीमद स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज को. वह स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेस न्यू फाइंडिंग्स इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे हिंदी में. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. प्रिय स्वामी नरसिम्हानंद जी, प्रिय डॉक्टर ओम भैया जी, डॉक्टर सुनीता सिंह सेनगुप्त जी, समक्ष बैठे हुए सभी साधु सन्यासी वृंद और देवियों और सज्जनों और यहाँ मेरे युवा भाइयों, आप सबको यथाउचित अभिवादन. मैं बड़ा आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर इस सुंदर सभा में बोलने के लिए मौका दिया गया है और आपके समक्ष स्वामी जी के शिकागो प्रवास के संबंध में, उनकी यात्रा, उनके अनुभव इत्यादि के संबंध में कुछ नए तथ्यों पर प्रकाश डालूं. ये जो शब्द है नए तथ्य, ये थोड़ा समस्या प्रदान देने वाला है. क्यों? क्योंकि जो नया आपके लिए है वो मेरे लिए पुराना हो सकता है और मेरे लिए जो पुराना है आपके लिए नया हो सकता है. सो नया और पुराना बड़ा सापेक्षिक है, बड़ा कंडीशनल है. कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी जो मैं नहीं जानता होऊंगा तो मेरे लिए वो नया होगा. इसी तरह कुछ चीज़ें मैं जानता होंगे आप नहीं जानते हो, आपके लिए वो नई होंगी. फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं स्वामी जी के शिकागो प्रवास के बारे में, शिकागो यात्रा के बारे में, जिनको पॉपुलर मीडिया या जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़े हैं उसके विषय में वो ज़्यादा केंद्रित नहीं करते हैं. तो आज हम यहाँ इस राष्ट्रीय गोष्ठी में एकत्रित हुए हैं. स्वामी जी की जो एक शिकागो यात्रा है, शिकागो भाषण है, एक संदेश है, उस पर विचार करने के लिए, एक चिंतन, एक ध्यान, एक मंथन करने के लिए. तो इसलिए इसमें कुछ खराबी नहीं कि हम इस यात्रा के कुछ चीज़ें जो हमें मालूम है उसका पुनरावृत्ति करें और कुछ चीज़ें जो नहीं हमको सामान्यता हमारे केंद्र में पड़ती हों उनके बारे में कहें. तो पहले आपके समक्ष एक बात जो बड़ी क्लियर कर दूं वो ये कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं इतिहास में जो एक व्यक्ति को, एक यात्रा को, एक बहुत सी साधारण सी चीज़ को अमर बना देती है. जैसे भगवान राम वन गए. अब वन जाना ये हम सब जानते हैं, हम अपने रिसॉर्ट्स के लिए, अपनी छुट्टियों के लिए भी वन जाते हैं, लेकिन वो एक आदर्श लेके गए थे. इसलिए वो वन जाना एक ऐतिहासिक घटना बन गई जो हजारों साल से लोग याद करते रहते हैं कि भगवान राम वन गए थे. और वो भी किस लिए? अपने वचन की रक्षा के लिए, अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए. और ऐसे ही सुदामा जी कृष्ण के पास आते हैं और अपना एक छोटा सा कुछ पोटली बांध लेके आते हैं. आज भी कोई दोस्त कभी दूसरे दोस्त को मिलने जाए तो उसके पास कुछ बहुत अच्छी चीज़ ना हो तो मजाक में कह देते हैं, भाई मैं तो सुदामा हूँ, ज़्यादा नहीं कुछ लेके आया. तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे धरातल, मानसिक धरातल पर एक गहरा प्रभाव डाल देती हैं. कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके हम उनको बार बार याद करते रहते हैं. तो ये भी एक इतिहास में हुई एक घटना है
कि स्वामी विवेकानंद भारत से अमेरिका गए, यही अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इसलिए क्योंकि स्वामी जी पहले सन्यासी थे, पहले भारत के भारतीय हिंदू सन्यासी थे जो इस प्रकार एक जहाज में बैठकर भारत का छोर छोड़कर अमेरिका गए, और इसके लिए स्वामी जी को बाद में कुछ कष्ट भी सहना पड़ा। क्यों? आज हम 125 साल पहले शायद इस चीज़ को न जानते हों, वो उस समय 1893 के समय जब हमारा देश एक अत्यंत विचित्र स्थिति में था, तब लोग ये विश्वास करते थे कि पानी के पार जाना, और पानी अर्थात समुद्र, और समुद्र को काला पानी कहते थे, तो काला पानी के बाहर जाना एक प्रकार का अपने धर्म को छोड़ने वाली बात हो गई थी। वो किसी एक पुरानी स्मृति में ऐसा लिखा हुआ था, और कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसका धर्म चला जाता है, तो धर्म को बचाने के लिए लोग इस तरह का प्रवास नहीं करते थे। तो पहले तो जब स्वामी जी ने सोचा कि मैं शिकागो जाऊंगा, उन्होंने भी इसके बारे में वो भी कुछ शंकित थे, जाऊं कि ना जाऊं, और तब उन्होंने श्री माँ शारदा देवी को अपना एक पत्र डाला था कि माँ ऐसी है, क्या मैं जाऊं कि ना जाऊं, और माँ मानो उस पत्र की इंतज़ार में बैठी हुई थी। स्वामी जी ने पत्र लिखा था मद्रास से, और माँ उस समय थी जयराम बटी बंगाल में, तो बंगाल में हर समय वो उनके वो छोटे से गांव में वो जो चिट्ठी थी झट से नहीं पहुंचती थी, सप्ताह में दो बार तीन बार डाकिया आके देके जाता था, वो SMS का जमाना नहीं था। तो उस दिन चिट्ठी आने उसमें उस दिन डाकिये को चिट्ठी को आने का ऐसा कुछ था नहीं, तो माँ लेकिन बार बार कह रही थी जाके देखो कुछ चिट्ठी आई कि नहीं, मानो कहीं के टेलीकम्युनिकेशन था कि नहीं कोई चिट्ठी है। और जैसे ही चिट्ठी प्राप्त हुई, माँ ने कहा लिख दो कि तुम जाओ और तुम्हारे साथ श्री रामकृष्ण देव हैं। और उस चिट्ठी को प्राप्त करके स्वामी जी जब मद्रास में थे, वो एक प्रकार से नृत्य करने लगे। ऐसा बोला जाता है कि मद्रास में एक एरिया है सेंट थॉम एरिया में अभी भी एक पुराना माँ काली का मंदिर है, वहाँ पर मारियम्मन मंदिर बोलते हैं। उस मंदिर में स्वामी जी ने जाके प्रणाम किया और माँ को धन्यवाद जताया कि मुझे परमिशन मिल गई है अमेरिका जाने की। और फिर यहाँ पे बहुत से युवा भाई बैठे हैं, तो यद्यपि ये शिकागो से पूरा जुड़ा नहीं है, फिर भी कहना उचित होगा कि जब स्वामी जी चलने लगे जहाज में बैठे, रास्ते में उनकी एक मुलाकात हुई एक प्रसिद्ध व्यक्ति से, शायद कुछ आप में से इस घटना को जानते हो, और उस व्यक्ति का नाम था JRD टाटा। जो टाटा उस समय जा रहे थे, जमशेद जी टाटा किसी अपने उनका कुछ बिजनेस का कि कहीं से कुछ टेक्नोलॉजी लेके आनी है या कुछ ऐसा कुछ था, वो जा रहे थे। तो स्वामी जी जब मिले, स्वामी जी से बात होती हुई उस जहाज पर, तो स्वामी जी ने उनसे कुछ बातें कही जो उनको बहुत प्रभावित कर गईं। एक जो बात कही स्वामी जी ने उनको, वो ये थी कि हमारे देश में कोई भी वैज्ञानिक जो गवेषणा है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, इसका कोई भी संस्थान नहीं है। हमें अपने देश में साइंटिफिक रिसर्च करनी चाहिए। ये उस समय की बात है जब भारत में कोई साइंटिफिक रिसर्च का इंस्टीट्यूशन नहीं था। स्वामी जी की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने कहा, और ये बात टाटा जी को बहुत गहरी प्रभावित कर गई। और स्वामी जी को बहुत साल बाद उन्होंने लगभग 5-6 साल या 60 साल बाद एक पत्र लिखा। वहाँ तो वो यात्रा ख़त्म हो गई, वो बातचीत ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में उन्होंने एक पत्र लिखा, कहा कि स्वामी जी जैसा आपको याद होगा हम जहाज़ पे मिले थे और आपने ये मेरे को सुझाव दिया था, तो आपके सुझाव के को मैं अनुसरण करके अभी एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहता हूँ, आप कृपया आइए और मुझे ये जो संस्थान है कैसे आगे बढ़ाना है इसके लिए गाइड कीजिए, आप हमारे डायरेक्टर बन जाइए। हाँ, स्वामी जी उसके लिए तो राजी नहीं हुए, लेकिन वह जो लेटर है वो अभी भी
टाटा इंस्टीट्यूट के जो म्यूज़ियम है टाटा नगर में, अभी भी वहाँ पूरे तरह से रखा हुआ है। तो ये जो एक घटना हुई, उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की स्थापना हुई। टाटा ने लगभग उस जमाने में 30 लाख रुपए दिए उसको शुरू करने के लिए। स्वामी जी निकले बॉम्बे से और लगभग 60 दिन लगे उनको शिकागो पहुंचने में, और उन 60 दिनों में रास्ते में और भी बहुत सी जगहों में स्वामी जी गए। जैसे उन्होंने रास्ते में चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और कनाडा, ये सब होते हुए, तो इन सब देश को देखते हुए वो जब वहाँ पहुँचे तो ये एक बहुत नई चीज़ थी एक सन्यासी के लिए। हम सब जैसे जानते हैं, अब जो हमारे मानस में एक बड़ा चित्र क्लियर है कि जब कोई सन्यासी होते हैं वो अपना, जैसे परिव्राजक साधु होते हैं तो वो अपना एक कमंडलू लेके बस घूमते हैं, तो स्वामी जी भी शायद ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ चले गए। ऐसा नहीं था, स्वामी जी तो जा रहे थे भारत से, भारत में तो सन्यासी के लिए इस प्रकार का एक वातावरण था, एक स्थिति थी, लेकिन वहाँ तो एकदम अलग था। वो था एकदम पाश्चात्य देश, वेस्टर्न वर्ल्ड। जब स्वामी जी वहाँ पहुँचे, उसके संबंध में एक अमेरिकन महिला ने बहुत सुंदर चित्रण लिखा है। वो कहती हैं, यंग एंड अनहर्ड ऑफ, एब्जॉर्ब्ड इन गॉड एंड एज इनोसेंट एंड इनकैपेबल ऑफ वर्ल्डली वेज एज ए चाइल्ड, स्वामी जी हैड स्टेप्ड फ्रॉम द सीरीन ओपन रोड्स ऑफ इंडिया वेयर द सन्यासिन कुड स्लीप बीनीथ अ ट्री और बेग हिज फूड फ्रॉम डोर टू डोर into the midst of the crowded, bewildering hurly-burly of Chicago, where the huge World's Columbian Exposition had been underway for 3 months and turmoil and confusion were at fever pitch. अर्थात वह सन्यासी जो भारत के विभिन्न भागों में घूमता हुआ, कभी पेड़ के नीचे सो गया, कभी उसके पास खाना मिल गया, कभी भिक्षा की, वो मान लो सडनली एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे सब लोग अपना काम लेके भाग रहे हैं, कार रहे हैं, जहाँ सब लोग एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन को देखने के लिए जा रहे हैं, और जो वहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर है वो एकदम अलग है। यह स्वामी जी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, एक कल्चरल शॉक, लेकिन वो साथ में प्रसन्न भी हुए कि इतनी सब प्रगति भी हो चुकी है। तो स्वामी जी पहुँचे वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में, उसके बारे में बहुत सा कुछ कहा गया है। उससे पहले मैं एक बात यह भी कह दूं कि ये जो जाना था कि स्वामी जी वहाँ जाएं, यहीं पे गुजरात में जो पोरबंदर के पंडित शंकर पांडुरंग है, उन्होंने स्वामी जी को कहा था, और ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में कुछ कहा जाए। उन्होंने कहा था, आई एम अफ्रेड स्वामी जी दैट यू कैनॉट डू मच इन दिस कंट्री, few will appreciate you here, you ought to go to the west, surely you can throw a great light on western culture by preaching the sanatana dharma there. To aise swami ji sanatan dharm ko leke wahan pahunche. Ab iske bare mein kaha gaya hai ki world exposition hua, world columbian exposition wahan pe ek organize kiya hua tha. Acha iska kaise shuru, ye jo exhibition shuru kaise ki gayi, 1890 में, अर्थात 3 साल इस एग्जीबिशन से पहले, उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनका नाम था हैरिसन, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था, और उस प्रोक्लेमेशन में कहा था कि हम अपने इस 400 साल को मनाएंगे। अच्छा, 400 साल का अर्थ क्या है? असल में भारतीयों को ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि हम कभी सोचते नहीं कि अच्छा आज हम भारत के स्थापना दिवस मनाएंगे, ऐसा कभी कोई सोचता नहीं। हम जानते हैं हम हजारों साल से रहे हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हजारों साल से, लेकिन अमेरिका की स्थापना मानो 400 साल पहले कोलंबस ने की थी जब वो वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने जब वहाँ अपना पद रखा, वहाँ पर पहुँचे, तब से मानो अमेरिका शुरू हुआ। तो इस 400 साल को मनाने के लिए
उन्होंने प्रोक्लेमेशन इशू की थी और कहा था कि दैट ए सम ऑफ नॉट लेस देन 1 crore US dollar टू बी यूज एंड एक्सटेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सपोजिशन. अब 1 crore US dollar सिंपल बनता है 70 crore, लेकिन उसमें अगर इन्फ्लेशन सब ऐड कर दें तो उन्होंने 2100 crore रुपए रखे उस सेलिब्रेशन को करने के लिए. 2000 मतलब 2100 crore रुपए का वो सेलिब्रेशन हुआ. अब इस फिगर से पता चलता है कि इसका स्केल क्या था. और उन्होंने कहा था, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा, आई द बेंजामिन हैरिसन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बाय वर्च्यू ऑफ द अथॉरिटी वेस्टेड ऑन मी बाय द सेड एक्ट डू हियर बाय डिक्लेयर एंड प्रोक्लेम दैट सच एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन विल बी ओपन्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मे इन द ईयर 1893 इन द सिटी ऑफ शिकागो. लेकिन ये उस दिन शुरू नहीं हुई, उसके बहुत महीने बाद ये शुरू हुई. और जब होना था कि 92 में ही शुरू हो जाए, लेकिन 92 में शुरू नहीं हुई, 93 में शुरू हुई. और अत्यंत ही बड़े लेवल पे है, जिसकी जो पूरी डिटेल्स हैं उसको वर्कआउट किया गया है. जैसे दो किताबें हैं इंग्लिश में जिसको वेस्टर्न कंट्रीज़ में लिखा गया. एक है स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज, वो 6 volume में है. उसमें स्वामी जी के लाइफ के अलग से, उसमें जो लाइफ में तो स्वामी जी की जो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो छूट गई थी. तो वहाँ पे एक अमेरिकन महिला जो बाद में हमारी भक्त ही रही हैं, मैरी लुई बर्क, उनको सिस्टर गार्गी के नाम से भी पुकारा जाता था, वो उन्होंने पूरा जीवन इसके लिए दिया. 40-45 साल जो उन्होंने रिसर्च की तो स्वामी जी के बारे में, कि स्वामी जी अमेरिका में कहाँ गए, कहाँ क्या किया, उसको लेके उन्होंने ये 6 volume लिखे. उनके जाने के बाद लगभग, वो तब थी उनके, लेकिन वो काम शुरू हो चुका था. और एक सज्जन जो भारतीय हैं, आसिम चौधरी, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की और उन्होंने एक बड़ा वॉल्यूम निकाला, स्वामी विवेकानंद इन US न्यू फाइंडिंग्स, 800 पेज का वॉल्यूम है. और भी एक किताब निकाली जिसमें स्वामी विवेकानंद इन शिकागो न्यू फाइंडिंग्स, इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है. सो न्यू फाइंडिंग्स में हम बहुत कुछ पाते हैं कि कैसे इस एग्जीबिशन को किया गया था. उसमें एक सुंदर सेंटेंस वो लिखते हैं कि दिस फेयर हैड गिवन बिगनेस ए न्यू मीनिंग. यह जो एग्जीबिशन हुई इससे एक बिगनेस को नया मीनिंग मिल गया. अच्छा, स्वामी विवेकानंद वहाँ पहुँचे. हम जानते हैं कि कैसे 10 दिन वो जाते रहे शिकागो का एग्जीबिशन देखते हुए, बहुत प्रसन्न हुए. वहाँ भी उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी देखी. आज तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी लगती है, लेकिन पहली बार उन्होंने वहाँ देखी अमेरिका में कैसे जनरेटर हो रहे, दिखा रहे हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े लगे हुए थे उस समय. और भी बहुत कुछ वहाँ पे एग्जिबिट किया. तो स्वामी जी एकदम प्रसन्न हो गए शिकागो में देख के, भारत में भी ये सब होना चाहिए उनके मन में आने लगा. और ये तो ठीक है कि हम देखते हैं कि स्वामी जी का, बहुत से वक्ताओं ने कहा है, तो आप और भी सुनेंगे कि कैसे स्वामी जी की वहाँ सक्सेस हुई. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सक्सेस के साथ साथ स्वामी जी का स्ट्रगल भी बहुत हुआ, बहुत संघर्ष हुआ. और ये संघर्ष ऐसा हुआ कि हम अगर उसको पूरी तरह से पढ़ें तो हमें आश्चर्य होता है कि कैसे व्यक्ति ने इतना कुछ अपने आप सहन किया. जैसे स्वामी जी कभी कभी उनको लगता था मैं कहाँ आ गया, मैं तो वो सन्यासीन हूँ जो भारत की सब प्रांतों में घूमता हूँ, वहाँ पे तीर्थ स्थानों पे जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ और अपना मैं अपने पारिवारिक जीवन में रहता हूँ, लेकिन यहाँ तो एकदम अलग हो गया. जैसे स्वामी जी ने कहा कि कभी कभी लगता है कि ऑल दोज रोजी आइडियाज विच आई हैड बिफोर स्टार्टिंग हैव मेल्टेड एंड नाउ आई हैव टू फाइट अगेंस्ट इम्पॉसिबिलिटीज. सबसे पहली जो स्वामी जी को मुश्किल हुई वो ड्रेस थी. आज हम अगर हम जाते हैं अमेरिका तो आज तो बहुत भारतीय वहाँ पे हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में हैं, लेकिन उस समय भारतीयों की संख्या बहुत कम थी, नगण्य थी, और किसी ने शायद सन्यासी देखा ही नहीं था. तो
तो किसी ने देखा कि एक सन्यासी की ड्रेस पहन के कोई व्यक्ति है. हाँ, वहाँ उनके चर्च के पादरी होते थे, फादर होते थे, लेकिन फादर की ड्रेस तो पूरी वो कवर होती थी, अलग तरह की होती थी. लेकिन इस तरह का एक गेरुआ वस्त्रधारी उन्होंने कभी नहीं देखा. इसलिए कुछ जगहों पर स्वामी जी की, जैसे उन्होंने गाउन पहना है, गाउन को खींचा गया कि ये आपने क्यों पहना है, ये आप कहाँ जा रहे हैं, और पगड़ी अलग पहनी हुई थी. कुछ लोगों ने तो उन पर पत्थर भी फेंके और स्वामी जी को भागना भी पड़ा. बड़ा आश्चर्य होता था उनको कि इन मेरी ड्रेस को लेके लोगों में इतना क्यों इस प्रकार का प्रतिक्रिया होती है. फिर स्वामी जी ने जब पैंट पहनी जिससे कि वहाँ की सर्दी से भी प्रोटेक्शन हो सके और वहाँ जा भी सके, तब लोगों ने धीरे धीरे उनको एक्सेप्ट किया. तो ये भी एक अपने आप में स्ट्रगल था. फिर खाना, वहाँ पे खाना बहुत मुश्किल था. वो भारत में मसाले वाली चीज़ें खा के रहे थे सारी उम्र और वहाँ पे जाके एकदम अलग खाना, तो ये स्ट्रगल भी था. साथ में जो उनके पास, वो जब वहाँ पहुँचे, शिकागो जब पहुँचे, उनके पास पैसे कम होने लगे. इतने कम हो गए कि कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि मैं जिस होटल में रहता हूँ, अब वहाँ कोई भक्त तो था नहीं कि जिसके घर में जाके रहेंगे, और या कोई रामकृष्ण मिशन तो उस समय था नहीं कि वो वेदांत सोसाइटी में जाके रहेंगे, रहना तो होटल में ही है. तो ऐसे तो है नहीं कि भारत में अच्छा एक साधु संन्यासी आए हैं पेड़ के नीचे रह लेंगे, वहाँ तो इतनी सर्दी है, या फिर किसी मकान के बाहर में कहीं रह लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो किसी होटल में ही जाके रहना है. जब होटल में जाके रहेंगे तो वहाँ पे अक्सर उनको पहले तो एडमिशन ही नहीं देते थे. क्यों? क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग सफ़ेद नहीं था. देखिए, ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं कि उनकी एक सक्सेस को देखते हैं, उनके स्ट्रगल को नहीं समझ पाते. अच्छा, फिर स्वामी जी ने कैसे एक होटल में उनको मिला, लेकिन देखा कि वो तो पैसे कम हो रहे हैं. तब उन्होंने आलसिंगा पेरूमल को चिट्ठी लिखा. अच्छा, आलसिंगा पेरूमल कौन थे? वो मद्रास के भक्त थे. हमें इस संदर्भ में उन्हें अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी जी का जो अमेरिका जाने की यात्रा थी उसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया. उन्होंने घर घर जाके पैसे इकट्ठे किए जो स्वामी जी ने कहा, और फिर बाद में स्वामी जी ने कहा नहीं, मुझे ऊपर से अभी तक परमिशन अनुमति नहीं आ रही है, मैं अभी नहीं जाऊंगा, तो ये पैसे सब वापस दे दो. बिना एक प्रश्न किए 3,000 रुपये उन्होंने वापस बांट दिए. जैसा स्वामी जी ने कहा वैसा किया. और फिर बाद में स्वामी जी को फिर जाने की जब इंस्पिरेशन हुई तो फिर राजा ऑफ खेतड़ी ने उनकी टिकट करवा दी, इत्यादि बहुत सी बातें हैं. अब जब अमेरिका पहुँचे, जब ये होने लगा कि उनका पैसा कम होने लगा है, तब स्वामी जी ने आलसिंगा पेरूमल को एक चिट्ठी लिखी. तब आलसिंगा पेरूमल अपने आप में सोचने लगे, ये मैंने क्या कर दिया, एक सन्यासी को इस तरह भूखे भरने के लिए अमेरिका भेज दिया. तब उन्होंने अपने, वो एक स्कूल टीचर थे, वो एक हाई स्कूल में पढ़ाते थे, तो उन्हें 3 महीने की सैलरी और अपनी पत्नी के गहनों को गिरवी रखवा कर जो उनको पैसा मिला, लगभग 700 रुपये, झट से स्वामी जी को भेज दिया. वी मस्ट रिमेंबर हिज सैक्रिफाइस. उसके अलावा अक्सर ये हमारे जो इंटरनेट सावी हमारे युवा वर्ग हैं, इनके विशेषकर इनको बात मैं कहूँ, स्वामी जी ने भाषण तो दिया अमेरिका में, लेकिन क्या वो भाषण रिकॉर्ड हुआ था, ये भी एक प्रश्न आता है. वॉज इट फिजिकली रिकॉर्डेड? हाँ, हमें किताब के रूप में तो मिलता है. क्या उनकी वॉइस रिकॉर्ड की गई थी? जहाँ तक अभी तक रिसर्च हुई है, नहीं, उनका भाषण रिकॉर्ड नहीं हुआ था. इस बात को मन में रखिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, वो कहते हैं स्वामी विवेकानंदा ओरिजिनल वॉइस. प्लीज रिमेंबर हिज ओरिजिनल वॉइस इज नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ. अगर भविष्य में मिलेगी तो हमारा सौभाग्य होगा, स्वामी जी की कृपा से अगर मिलेगी. स्वामी जी की वॉइस को रिकॉर्ड 3 जगह पे किया गया था. एक तो जब स्वामी जी अमेरिका में थे, शिकागो से ही, उन्होंने अपना एक छोटा सा सिलेंडर, उस समय बोलते थे सीडी नहीं बोलते थे, रिकॉर्ड भी नहीं बोलते थे, सिलेंडर बोलते थे, तो सिलेंडर में स्वामी जी ने छोटा सा एक मैसेज दिया था. और अपने एक पत्र में वो लिखते भी हैं, अच्छा कि वो सिलेंडर पहुंचा कि ना, किसको उन्होंने भेजा था? राजा ऑफ खेतड़ी को. और जब वो सिलेंडर वहाँ पहुँचा, राजा ऑफ खेतड़ी ने एक सभा बुलाई और उसमें उस सिलेंडर को चलाया, सबके सामने स्वामी जी की आवाज़ सुनाई दी गई सबको.
फिर राजा ऑफ मैसूर ने भी रिकॉर्ड की थी और तीसरे थे अंबाला में एक भक्त थे उनके यहाँ भी स्वामी जी ने कुछ कहा था वो भी रिकॉर्ड था. अब रिसर्च तो की गई है लेकिन कुछ मिला नहीं है कि क्या वो आवाज़ अभी भी मिल सकती है कि नहीं. मैं तो कहूँगा कि जयेश भाई को विशेषकर मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे और एक एफर्ट होनी चाहिए कि स्वामी जी की वॉइस कहीं किसी एक कॉर्नर में कहीं मिल जाए. इट विल बी ए ग्रेट डिस्कवरी फॉर ऑल ऑफ अस एंड इफ यू कैन ऑल डू इट इट विल बी अ ग्रेट थिंग. देयर इज अ ग्रेट नीड, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम स्वामी जी को लेके और भी रिसर्च करें. देखिए दो किताबें जो मैंने आपके समक्ष आपको उसका अनुभव बोला है वो दोनों किताबें फॉरेन में ही लिखी गई हैं. भारत में अभी एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है, पिछले 20 साल से ऐसी बहुत सी छोटी या बड़ी किताबें आ रही हैं जिसमें स्वामी जी के भारत भ्रमण के बारे में नए नए तथ्य आ रहे हैं. श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरान जी महाराज ने भी गुजरात के विषय में स्वामी जी के जो परिभ्रमण के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, कुछ नए तथ्य निकाले हैं और इस सोविनियर में भी उन्होंने पब्लिश किया है. ये उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि स्वामी जी ने ये सब उन्होंने किया है. ऐसे ही स्वामी जी की जो और यात्राएं हैं विदेहात्मान जी महाराज और अन्य कुछ साधुओं ने किए, लेकिन इसकी और आवश्यकता है. जितनी भारत के बाहर इतनी रिसर्च की गई है वह रिसर्च हमें और यहाँ भारत में भी करनी चाहिए. अंत में मैं कुछ इतना ही कहूँगा कि स्वामी जी का ये जो शिकागो जाना हुआ, बोलना हुआ, उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है. एक ये 20 मिनट में उसको नहीं हम कंप्लीट कर सकते, फिर भी आप में एक इसमें कुछ इंटरेस्ट जागृत हो इसके लिए कुछ बातें कही गई. एक बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि जब स्वामी जी वहाँ गए तब हमारे सनातन धर्म की भाषा में वो ब्रह्मज्ञ पुरुष थे जिन्हें ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान था. जिसे हम कहते हैं ना, ए मैन हैड रियलाइज्ड व्हाट इज द आत्मन, व्हाट इज डिविनिटी, व्हाट इज गॉड, ही हैड एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट. सो एक ब्रह्मज्ञ पुरुष गए अमेरिका भारत का संदेश लेके, ये याद रखना चाहिए. एक ब्रह्मज्ञ पुरुष गए, कोई साधारण प्रीचर नहीं था जिसने कुछ किताबों से कुछ पढ़ लिया और जाके कुछ बोल दिया. एक ब्रह्मज्ञ पुरुष गए और जाके देखते हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच इज़ लाइक ए बिग चैलेंज, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी साफ सुथरी रोड्स और सब, और एक अलग तरह का माहौल भारत के गांव से घूमते घूमते. और हठात जब वहाँ पहुँचे तो याद रखिए स्वामी जी को कितना आत्मविश्वास होगा कि किसी से घबराए नहीं वो. हाँ, मुश्किलें हुई, उनको पत्थर भी फेंकने पड़े, पत्थरों को भी झेलना पड़ा और भी बहुत सी मुश्किलें सहन करनी पड़ी. कुछ तो है, जैसे एक उन्होंने लेक्चर ब्यूरो था उसका नाम था स्लाइटन. लगभग 4 महीने स्वामी जी स्लाइटन ब्यूरो के साथ अमेरिका के बहुत से शहरों में जाके उन्होंने भाषण दिए, लेकिन स्लाइटन ब्यूरो उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं करते थे. तो इस तरह की बहुत सी अच्छी बड़ी रोचक बातें हैं जो आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ. धन्यवाद.